नमस्ते मेरे मित्र, कैसे हैं आप लोग? आज वापस से एक और हमारे दर्शक के सवाल के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। और हमारा दर्शक है धीरेन्द्र पौडेल। धीरेन्द्र जी हमें पूछना चाहते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू नेपाल लाइव एनिमल्स, एग्जॉटिक बर्ड्स लाइक पैरट एंड कैट एंड डॉग। धीरेन्द्र जी अंडर हैशटैग आस्क ट्रिपल आई एम के अंदर उन्होंने ये कमेंट में हमें पूछा है। ट्रिपल आई एम आपको उत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि आप हमें सवाल पूछे यूट्यूब पे। हमारे हर एक वीडियो पे बहुत सारे लोग हमें सवाल पूछते हैं, हम उनका जवाब लिख के तो देते ही हैं, पर ऐसे कई होते हैं जो हमें लगता है कि आपकी अवेयरनेस बढ़ाए, आपका ज्ञान बढ़ाए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस के अंदर, तो हम उसका वीडियो भी बनाते हैं। तो धीरेन्द्र जी को एक्सपोर्ट करना है बर्ड्स एंड एनिमल्स टू नेपाल। नेपाल या कोई भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अंडर चैप्टर 0106 HS कोड, ITC HS कोड के अंतर्गत आप चैप्टर और हेडिंग है 0106 के अंदर आपको सारे एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स यानी कि सांप वगैरह, ये सारी जो लाइव इंसानों के सिवाय बाकी जो जानवर पक्षी पशु होते हैं उनका आपको HS कोड मिल जाएगा। एक चीज आप ध्यान में रखें, आप जब HS कोड ढूंढते हैं आपके एग्जॉटिक बर्ड का या फिर एनिमल का या लाइव डॉग्स एंड कैट्स का, तो आपको ध्यान में रखना है कि कई ऐसे एनिमल्स हैं, कई ऐसे बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, कई ऐसे जानवर हैं जो आप एक्सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं। दे आर ईदर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड। तो ये आपको जानना है कि HS कोड आप ढूंढें, उसके बाद आपको जानना है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप इंडिया से नेपाल अगर भेजना चाहते हैं तो हमारी बॉर्डर है, हमारा नेबरहुड में है नेपाल, यानी कि लैंड बॉर्डर होता है, तो हमारे यहाँ ट्रक्स जाते हैं, बहुत सारी ट्रक्स में लॉरी ट्रांसपोर्ट होता है लॉरी से, तो आप लॉरी बुक करवा सकते हैं और लॉरी को बोल सकते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है और ये हम लाइव एनिमल्स या लाइव बर्ड्स हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं नेपाल। इसकी कस्टम्स का जो जगह होती है वो आप कोई भी ICD से भी कर सकते हैं और आप फिर लैंड कस्टम्स स्टेशन से भी कर सकते हैं, बॉर्डर पे होते हैं और आपका जो भी कंटेनर है, जो भी सामान है, वो आपका नेपाल की ओर चला जाएगा। आपको ज़रूर से देखना होगा कौन से एनिमल्स और कौन से बर्ड्स और कौन से रेप्टाइल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है www.dgft.gov.in की वेबसाइट से। आप ITC HS कोड ज़रूर से जाने और उसके बाद आप सोचिए, आप उसके बाद अपने बायर्स से बात कीजिए, उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उनको कौन से एनिमल्स चाहिए, कौन से बर्ड्स चाहिए और फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी ट्रेड पॉलिसी के अनुसार, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी के अनुसार आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्टेड हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी DGFTA से, या प्रोहिबिटेड हैं तो आप वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज आई हैव टू टेल यू धीरेन्द्र जी, आपको आपका जवाब अच्छी तरह से मिल गया होगा और अगर आपको अच्छा लगा है ये जवाब, ये गाइडेंस आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और आप हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और भी प्रश्न है तो आस्क #AskTripleIM में आप ज़रूर से लिखें। थैंक यू वेरी मच।